हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा शाह और मैं आपको पढ़ाता हूँ इस चैनल के ऊपर। और आज हम लोग पढ़ने वाले आपकी क्लास सिक्स की मैथ्स की बुक से चैप्टर फिफ्थ की एक्सरसाइज 5.6। और 5.6 जो है, जो कि आपका जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसके रिगार्डिंग में हमने पढ़ने वाले जो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। यानी कि आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को, ताकि आगे वाली फ्यूचर की वीडियो आपको जो भी है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो 5.6 स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बच्चे बोला कि भी पहले हम लोग ऐसा करते हैं, जिसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रूल्स है, बेसिक नॉलेज है, पहले उसको गेन करते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर लो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। ठीक है, तो चैनल कौन सा है? फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। इस जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो बच्चे पहले आप ये जान लो कि जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इन दो बेसिस पे डिसाइड होता है कि भी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बाय साइड, यानी कि साइड के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं। तो नंबर वन जो आपका होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की फीचर या खासियत ये होती है इक्विलेटर के अंदर कि इसकी जो तीनों साइड है, तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज थ्री इक्वल साइड्स, यानी कि इसकी तीनों ही साइड इक्वल होगी, इनकी लेंथ इक्वल होगी। ये फीचर है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के अंदर। अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल की जो मैं बात कर रहा हूं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए वो ये है आइसोलेस ट्राइंगल। और आइसोलेस ट्राइंगल के फीचर ये होते हैं कि इसके अंदर कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स लेंथ इज इक्वल। यहां पे क्या होता है कि कोई भी दो साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होते हैं। जैसे ये जो मार्क किया हुआ है ना मैंने, ये वाला और ये वाला, ये दोनों साइड इक्वल है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला नहीं, ये दोनों जिसपे मैंने अगेन दोबारा रिपीट करके मार्क कर दिया है, तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो आप ये बोल सकते हो आइसोलेस ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड। इसके अंदर क्या खास बात होती है कि टू इक्वल साइड होती है इसके अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की। तो नेक्स्ट जो थर्ड ट्राइंगल है आपके पास वो है बेटा स्केलन ट्राइंगल्स। और इस ट्राइंगल के अंदर क्या खास बात होती है, इसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, यानी कि कोई भी साइड की लेंथ, किसी भी साइड की लेंथ, किसी भी साइड की लेंथ के इक्वल नहीं होती, यानी कि तीनों डिफरेंट होगी। जैसे सपोज कर लो कि ये आपके पास हो गया भाई 3 सेंटीमीटर ये वाली, ये आपके पास हो गया 5 सेंटीमीटर। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज ये हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड जो है इक्वल नहीं होगी, तो इसे हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल हैज नो इक्वल साइड, इसके अंदर इक्वल साइड नहीं होती है। आइसोलेस में क्या होती है, टू साइड इक्वल होती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड यानी कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे, मैंने आपको बता दिया कि भी कौन कौन सी साइड है ट्राइंगल है। अच्छा, अब बात करते भी कि एंगल के बेसिस पे। ठीक है, एंगल का मीनिंग तो पता होगा आपको कि टू रे लेते हैं और ये जो कंबाइंड करके ये जो एरिया बनता है, ठीक है, इसे हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल के बेसिस पे अब डिसाइड करते हैं कि ट्राइंगल कौन कौन से हो सकते हैं। तो इधर भी थ्री ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो और पहले तो थर्ड थ्री ट्राइंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल has three equal side, isosceles triangle has two equal side and scalene triangle has no equal side, यानी कि इसके अंदर कोई भी equal side नहीं है, इसके अंदर दो equal side है और इसके अंदर तीनों side equal है। अगर हम बात करें भी on the basis of angle की बात करें, तो जब आपके triangle के अंदर तीनों ही triangle की, तीनों ही angle की value, यानी कि इसे angle 1, 2 और 3, तीनों ही angle की अगर value बताएं क्या हो, 90 degree से less हो, यानी कि 90 से कम हो, तब हम उसे एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। तो नंबर फोर जो ट्राइंगल आपके पास क्या है, एक्यूट ट्राइंगल। और एक्यूट ट्राइंगल की फीचर क्या है,
इसके ऑल थ्री एंगल्स, जितने भी एंगल्स है वो लेस देन 90 होते हैं, 90 से कम होते हैं, उसे हम एक्यूट ट्राइंगल बोलेंगे। अच्छा, तो आप ये बोल सकते हो कि एक्यूट ट्राइंगल हैज थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री, कि 90 डिग्री से कम होते हैं इसके एंगल, तीनों एंगल की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हो कि राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, जो फिफ्थ नंबर का आपका है, इसके अंदर खास बात यह होती है, इसमें से एक एंगल, थ्री एंगल होते हैं, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, कि कोई भी एक एंगल इसमें 90 डिग्री को होगा, बाकी दोनों अंडरस्टूड है कि 90 से कम होंगे, लेकिन एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, तो उसे हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल, या कहीं कहीं आपको यह भी लिखा मिल सकता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप ये बोल सकते हो कि राइट ट्राइंगल हैज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। और लास्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ एंगल, सिक्स्थ ट्राइंगल, वो है बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के फीचर क्या है कि इसमें एक एंगल, तीन एंगल होते हैं ना, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो मोर देन 90 डिग्री। इसमें क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इसमें क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, और इस वाले में क्या होगा मोर देन 90 डिग्री। एक एंगल क्या होगा, एक मिनट, हाँ, एक एंगल जो आपका होगा वो 90 से क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। तो आप ये बोल सकते हो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की मीनिंग ये हुई, ये हुई आपके लिए कि भी एक इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो आप बोल सकते हो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिक्स ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और टाइप्स किस हिसाब से डिसाइड होते हैं। भाई थ्री डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के हिसाब से डिसाइड होते हैं, और थ्री कैसे डिसाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिसाइड होते हैं, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले आपको जानबूझ के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए ये है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब आपको ये गिवन एग्जाम्पल, ये ए बी सी डी एफ तक एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है, आपके पास पार्ट्स गिवन है, आपको ये बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है भाई। तो ए देख लेते, ए में आपसे बोला जा रहा है ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, तीनों जो लेंथ है डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। जब तीनों लेंथ इक्वल नहीं होती है तो यानी कि आप ये बोल सकते हो साइड की बेसिस पे ट्राइंगल डिसाइड होगा। कौन सा साइड है, कौन सा ट्राइंगल होगा, ये बेटा होगा स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, कौन से वाला, ये थर्ड वाला स्केलन ट्राइंगल हो सकते, ठीक है। तो इसका आंसर आप जो लिखोगे इस तरह लिख लोगे क्या कि भाई फर्स्ट का आंसर क्या होगा, स्केलन ट्राइंगल हो गया। और इसमें क्या होता है, तीनों साइड जो होती है इक्वल नहीं होती, नो इक्वल साइड, ठीक है, इसमें साइड इक्वल नहीं होगी। अच्छा, अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल कई बार आपको इस तरह लिख के भी दे देंगे, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और कई बार आपको ये सिंबल बना के भी दे देंगे। तो इस सिंबल का मतलब समझ जाना कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, फर्स्ट में तो आपको लिख के दे दिया, बाकी रिमेनिंग में आपको सिंबल यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सिंबल का मतलब है ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी विद, अब एक ट्राइंगल है जिसकी उसके बारे में बताया जा रहा है, इसका नाम है ट्राइंगल एबीसी, और ए बी है इसमें 8.7 सेंटीमीटर, ए सी इसके अंदर 7 सेंटीमीटर, और बी सी इसके अंदर क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 8.7, 7 और 6 तीनों जो लेंथ है वो डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग है, नो इक्वल है। तो जब नो इक्वल होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगेन ये थर्ड वाला क्या है, स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसे क्या बोलोगे आप, स्केलन ट्राइंगल बोल दो। तो आंसर बी का क्या लिखोगे, स्केलन ट्राइंगल। कैसे डिसाइड हुआ, साइड की बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट सी पार्ट, देखते हैं सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर सच डेट, अब उसके बारे में बोला जा रहा है, इसमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीन साइड्स है इसके अंदर, और सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि आप ये बोलोगे
कि पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू कितनी है ये भी बेटा 5 सेंटीमीटर, तीनों की साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इक्वल है। जब इक्वल होता है भाई साइड तो उसको क्या बोलते हैं, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, नंबर वन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें खासियत या फीचर क्या है कि तीनों साइड इक्वल होगी। तो इसके अंदर क्या है कि तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो आप इस ट्रायंगल का नाम क्या बोल सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी खास बात क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और इक्वल कितना है 5 सेंटीमीटर की इक्वल है। तो सी का आंसर आप लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, बहुत इजी था। चलो अब डी करते हैं, डी को पहले समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। डी में आपसे बोला जा रहा है ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ, और इसमें यह बोला जा रहा है एक एंगल है डी और उसकी वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिसाइड करना है। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। देखो अभी हमने पढ़ा था ना राइट ट्रायंगल की फीचर क्या होती है, राइट ट्रायंगल का फीचर होता है वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि आप ये बोल सकते हो राइट ट्रायंगल हैज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिफ्थ वाले की बात कर रहा हूं, एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, यही दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर भी कि भी एक एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो डी आपका क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, ये वाला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते ई की बात करते, तो ई में आपसे बोला जा रहा है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल एक्स वाई जेड विद वन एंगल इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया तो इसे आप क्या बोल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। और उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि टू साइड जो है इसके अंदर एक्स वाई और वाई जेड ये इक्वल है, जब टू साइड इक्वल होती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं आइसोलेस ट्रायंगल, यानी कि ये आइसोलेस ट्रायंगल के फीचर भी इसके अंदर है और इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की फीचर भी है, तो आप इसे आइसोलेस ट्रायंगल बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आप बोल सकते हो ये क्या, राइट एंगल। तो आंसर आपका क्या होगा, आइसोलेस ट्रायंगल भी और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, दोनों करेक्ट, यानी सेकंड और फिफ्थ की मैं बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे, ई का जो आंसर लिखोगे आप इस तरह लिखोगे कि राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल, क्या लिखोगे राइट एंगल, देखो राइट एंगल क्यों 90 डिग्री का, आइसोलेस ट्रायंगल क्यों लिखोगे, क्योंकि भी इसके अंदर क्या खास बात थी कि टू साइड्स इक्वल है, ठीक है, टू साइड्स इक्वल है, और उसके अलावा एक बात और क्या थी, वन एंगल जो है इसके अंदर वो क्या है 90 डिग्री का है, यानी कि एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री का है, कौन सा एंगल, एंगल भी वो है एंगल वाई, वाई इसके अंदर क्या है 90 डिग्री का, तो दो बातें मिल गई आपके पास, ठीक है, तो आप इस तरह इसको लिख सकते हो। और लास्ट में आपके पास जो भी ये इसका लास्ट पार्ट जो है, इसमें एफ में आपसे बोला जा रहा है एक ट्रायंगल है एल एम एन, ठीक है, उसमें तीन जो एंगल है उसके बारे में, फर्स्ट एंगल एल की वैल्यू है 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, एम की वैल्यू है 70 डिग्री और एन की वैल्यू 80 डिग्री, यानी कि तीनों की वैल्यू 90 से कम है, 30 भी कम है, 70 भी कम है, 80 भी कम है, तो इस एंगल को हम, इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये जो ट्रायंगल हो जाएगा इसे हम बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हो इसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा इसमें पूछा क्या गया था। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, और हाँ भाई अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है, और वीडियो लाइक भी करना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कुछ मदद हो रही है आपकी। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग, इसके अंदर आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई इसको मैच करो, ठीक है, भी करते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है, मेजर्स ऑफ ट्रायंगल टाइप्स ऑफ एंगल, आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स के बेसिस पे आपको मैच करना है कि भी कौन सा टाइप है, ये द टाइप्स गिवन है, स्केलन ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और आइसोलेस ट्रायंगल, ठीक है भाई। अब एक एक करके चेक करते हैं, फर्स्ट में बोला जा रहा है थ्री साइड्स आर इक्वल, जब थ्री साइड देख लो एक बार, अगर आप भूल गए हो तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड कर लो अच्छे से, अगर भूल गए हो कुछ ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे रीड कर लेना, तब आपको इजी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मैं करवा रहा हूं, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, थ्री साइड क्या इसमें इक्वल लेंथ की है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इसे,
इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो भैया ये रहा आपका ई, ये है इसका, ठीक है। तो आंसर इसके सामने आप दोबारा लिखोगे, इसके सामने लिख देना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा इक्विलेटरल। नेक्स्ट आपके पास है टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू साइड इक्वल लेंथ की है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आइसोलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। इक्वल लेंथ की, तो आप इसे क्या बोलोगे, आइसोलेस ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, कि तीन साइड है और तीनों की लेंथ डिफरेंट है, यानी कि इक्वल नहीं है, नो इक्वल साइड है, तो इसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो अब ये रहा फर्स्ट, ये देखो ए वाला, ये आ गया आपका स्केलन ट्राइंगल। और उसके बाद बोला जा रहा है एक्यूट एंगल, थ्री एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की मीनिंग क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है तीनों एंगल, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जो एफ है आपके पास, ये देखो मैं जो लेके जा रहा हूं, ये आपका आंसर हो गया एफ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट है वन राइट एंगल, राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है, राइट का मतलब वो राइट नहीं, करेक्ट है, राइट एंगल का मतलब होता है एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो राइट एंगल को भैया हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये रहा आपके पास, ये देखो डी वाला, फिफ्थ का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है उसके पास ऑब्ट्यूज्ड एंगल, ऑब्ट्यूज यानी कि ऑब्ट्यूज की वैल्यू क्या होती है, ऑब्ट्यूज की वैल्यू होती है भाई कि भी वन एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल की मीनिंग ये लिखोगे कि भी वो इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा इसकी वैल्यू होती है, यानी कि 91, 92, 93 कुछ भी हो सकता है, बस 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये देखो सी वाला, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपसे बोला जा रहा है वन राइट एंगल विद टू साइड इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, टू साइड इक्वल है और वन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं उसे, आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोलते हैं उसे, आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल, या राइट एंगल आइसोलेस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि सर समझ में तो आ गया, पर ये जो लाइन खींची इसमें से कंफ्यूजन हो रही है, तो भाई इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आंसर को एक बार और लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो आप यहां से भी आंसर देख सकते हो, तो फर्स्ट का इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड का आइसोलेस ट्राइंगल, थर्ड आपका स्केलन ट्राइंगल, फोर्थ आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिफ्थ आपका राइट एंगल ट्राइंगल, सिक्स आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, लास्ट में आपका क्या, आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो कि हमने कहां से पता लगाया, हमने इस मैचिंग के अंदर, तो यहां से ऐसे आपको मैच करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, भाई जब क्लियर हो गया तो एक लाइक तो बनता है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोला जा रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे क्या बोला जा रहा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार, खुद से रीडिंग करो एक बार, ट्राई करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि आप कर पा रहे हो खुद से। क्वेश्चन है आपके लिए, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वे, आपको जितने भी ट्राइंगल है सबका नाम बताना है, लेकिन टू डिफरेंट वे से, ठीक है, टू डिफरेंट वे। आपको याद जब मैंने चैप्टर स्टार्ट, ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि भी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि टू डिफरेंट वे से हम लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे लिख सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि भी कौन सा ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे यही करने के लिए बोला जा रहा है कि आप बताइए ये कौन कौन से ट्राइंगल है, आप इसके नाम बताइए ऑन द बेसिस टू डिफरेंट वे से। तो एक तो मैं एंगल के बेसिस पे करूंगा, और सेकेंड किस पे करूंगा, साइड के बेसिस पे। अब ब्रैकेट में आपको एक हिंट भी दे रखा है जिसमें आपसे बोला जा रहा है You may judge the nature of the angle by observation. कि आप इसका एंगल का जो नेचर है, यानी कि कौन से टाइप का एंगल है, ये कैसे जज करोगे, ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अगर ध्यान से देखो, 5 सेंटीमीटर पहले हम साइड के हिसाब से करेंगे पहले, ठीक है, पहले साइड के हिसाब से करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एंगल के बेसिस पे, ठीक है, पहले साइड फिर एंगल। तो साइड देखो, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों इक्वल हो गए, और ये एक डिफरेंट है, यानी टू साइड इक्वल हो गई,
ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, जब टू साइड इक्वल होता है बेटा उसे बोला जाता है आइसोलेटेड ट्रायंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड ट्रायंगल। अच्छा उसके बाद अगर आप एंगल की बेसिस पे बात करें तो इधर देखो ये टू लाइन ड्रॉ है, यहां पे भी टू लाइन है, यहां पे वन लाइन है, इसकी मीनिंग ये हुई कि भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि आप ये कह सकते हो भाई टू एंगल भी क्या इक्वल लग रहे हैं आपको, ठीक है भाई। तो अब बताओ भाई ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, और तीनों क्या है 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है, जब तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होता है बेटा तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और साइड की बेसिस पे आप क्या बोलते हो, आइसोलेटेड ट्राइंगल। तो आंसर कैसे लिखना है, कुछ इस तरह लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये किस बेसिस पे, ये मैंने बताया आपको एंगल की बेसिस पे, और साइड की बेसिस पे लिखोगे आइसोलेटेड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, चलो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो सेकेंड पार्ट में भी देखोगे थ्री साइड से 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, तीनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, नो इक्वल है, ठीक है भाई नो इक्वल है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। अच्छा उसके बाद अगर हम एंगल के बेसिस पे देखें तो यहां पे एक एंगल, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है बेटा, ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री, जब इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो आप सेकंड वाले का आंसर लिख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा क्या लिख सकते हो, स्केलन ट्राइंगल। तो आंसर लिखोगे बच्चों इस तरह से कि राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आप बोल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेस पर अगर मुझे लिखना है तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, तो मैं इसका नाम लिखूंगा स्केलन ट्राइंगल, क्या लिखूंगा इसका, स्केलन ट्राइंगल, क्यों, क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट है, यानी कि नो इक्वल साइड, जब नो इक्वल साइड है इट मींस वो स्केलन ट्राइंगल है। अब वन एंगल 90 डिग्री का है तो उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड, थर्ड में आपके पास है ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, और इसके बारे में बताया नहीं है भाई, बताया नहीं, पर देख के हमें ये क्या लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, टू साइड इक्वल हो गई, जब टू साइड इक्वल होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बेटा बोलते हैं आइसोलेटेड ट्रायंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड ट्रायंगल, ठीक है भाई हो गया। और उसके अलावा ये और गिवन है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, जब 90 डिग्री से ज्यादा है भाई तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से इस ट्रायंगल का नाम क्या बढ़ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और साइड की बेसिस पे क्या पड़ेगा भाई, जल्दी कमेंट करके बताऊं क्या पड़ेगा, मैं बताता हूं जल्दी बताऊं, तो इसका आंसर होगा, देखो साइड की बात करेंगे तो आइसोलेटेड ट्रायंगल बोल सकते हो, एंगल की बात करोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलोगे, तो आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे भाई, थर्ड का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और अगर हम साइड की बात करें तो आइसोलेटेड ट्रायंगल आप बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, आइसोलेटेड ट्रायंगल, तो आंसर होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल एंड आइसोलेटेड ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, देखते हैं भाई फोर्थ पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास टू साइड इक्वल है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, जब इक्वल साइड होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसे आइसोलेटेड ट्रायंगल बोलते हैं, उसे जैसा थर्ड में था। अच्छा और वन एंगल 90 डिग्री का है, जब 90 डिग्री का एंगल हो गया तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 90 डिग्री का, तो आप आंसर जो लिखोगे आंसर कुछ इस तरह लिखोगे, फोर्थ का राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और साइड की बेसिस पे क्योंकि टू साइड इक्वल है तो आप बोलोगे ये क्या है, आइसोलेटेड ट्राइंगल है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके लिए जो ट्राइंगल आपके पास गिवन है, ऑल थ्री साइड्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों साइड की जो लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर, और यहां पे भी आपके पास 5.2 सेंटीमीटर है, इट मींस तीनों साइड क्या है, इक्वल है, जब तीनों साइड इक्वल होती है बेटा तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं भाई, ठीक है, और वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बोलूं
तो भाई आप ये बोल सकते हो 90 डिग्री से कम होंगे, 60 60 60 होता है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बोल सकते हो। तो फिफ्थ का आंसर बच्चों इस तरह लिखोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड की लेंथ के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आप बोल सकते हो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चलो अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट पार्ट में आपके पास है कि भी थ्री साइड से 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर तीनों डिफरेंट है, नो इक्वल लेंथ है, किसी की भी इक्वल लेंथ नहीं है, तो इसे आप बोल सकते हो ये क्या है, ये है आपका स्केल एंड स्केल एंड ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, स्केल एंड ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। और एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है भाई, क्या है, मोर देन 90 डिग्री है। तो मोर देन 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं उसे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका जो लास्ट पार्ट का जो आंसर आप लिखोगे वो लिखोगे ऑब्ट्यूज एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड स्केलर ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। लेंथ क्या है, डिफरेंट है, नो इक्वल है, किसी का भी लेंथ इक्वल नहीं है। चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन के लिए भाई आपको जो काम, पहले तो मैं समझाऊंगा कैसे करना है, बाद में आप लोग क्या करोगे कि भाई ये जो चीजें मैंने आपको दी है करने के लिए, इसे क्या करोगे, स्टिक से मैच स्टिक को यूज करके बाद में करोगे। ठीक है, और हो सकते तो मुझे फोटो भी भेज सकते हो आप सोशल मीडिया, फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पे ऊपर, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में, किसी भी ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, वहां भी भेज सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहां भी सोशल मीडिया पे आप भेजना चाहो, करने के बाद बहुत सुंदर सा करके आप मुझे जरूर भेजना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स, आपने क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक, माचिस की जो तिल्लियां होती है ना उसे यूज करके, यानी कि मैच स्टिक को यूज करके आपने क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसे बनाना है। सम आर शोन हियर, अब कुछ आपको इधर गिवन है, कैन यू मेक ट्राइंगल विद, अब कैसे कैसे बनाने, ये वन ए बी सी डी, ये चार फोर डिफरेंट टाइप के आपको बनाने के लिए बोला गया है, फोर डिफरेंट टाइप के। ठीक है, देखो जैसे इधर दे रखा है आपके पास, ये देखो कितनी, ये कितनी, देखो 1 2 3 4 5 फाइव मैच स्टिक को यूज करके इसे ड्रॉ किया गया है। अच्छा, इसकी बात करो सेकेंड की, तो ये देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये रेड कलर से, ये फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकेंड हो गया, ये वाला थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ, इधर ये फाइव, ये वाला सिक्स। ठीक, तो सिक्स तो ये दिख गया, उसके बाद ये अंदर भी है 7 8 9, तो 9 मैच स्टिक को यूज करके इसे ड्रॉ किया गया है। अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, रुको भाई। तो आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसके अंदर 5 मैच स्टिक यूज किया है फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में 9 मैच स्टिक यूज किया हुआ है, थर्ड वाले में अगर काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 मैचस्टिक यूज किया गया है। ठीक है, ये तो आपको एग्जांपल दे दिया गया कि इस तरह से मैचस्टिक को यूज करके आपने क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो आपको बाद में नीचे ये भी बोला गया है, क्या पहले उसको रीड कर लेते हैं, क्या क्या ए बी सी डी ये चारों पार्ट को पहले एक बार रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसमें आपको क्या बोला जा रहा है। ब्रैकेट में आपसे बोला जा रहा है, रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल अवेलेबल मैस्टिक इन ईच केस, यानी कि जितने भी मैस्टिक्स आपको गिवन है आप उनको सबको यूज करके ड्रॉ करोगे, यानी कि किसी को बचाना नहीं है आपने, सबको यूज करना। ठीक है, जितने भी आपको गिवन अवेलेबल है, ठीक है, तो उन सबको यूज करके आपने बनाना इसे। ठीक है, और फिर आपने नीचे बोला जा रहा है नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अब उसके बाद कि किस टाइप का वो ट्राइंगल है उसका नाम भी बताना। ये देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या बोला जा रहा है इसमें, नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस, यानी कि ए बी सी डी चारों केस में जो भी ट्राइंगल बनेंगे टाइप्स भी उसका नाम बताना है। और आगे बोला जा रहा है इफ यू कांट मेक अ ट्राइंगल थिंक ऑफ ए रीजन फॉर इट, अगर आपको लगता है कि भाई इसका ट्राइंगल बन ही नहीं सकता तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, थिंक ऑफ रीजन फॉर इट, तो आपको इसके लिए रीजन बताना पड़ेगा कि भाई इसका क्यों नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं ए पार्ट के लिए, तो ए पार्ट में क्या बोला जा रहा है, थ्री मैच स्टिक्स, बहुत ईजी है। थ्री मैच स्टिक का मतलब क्या भाई,
थ्री मैच स्टिक यूज करोगे, माचिस की तीनिया यूज करोगे, इसे ड्रॉ कर दोगे, कैसे? देखो इस तरह से, ये आपका बेटा सोल्यूशन हो गया ए पार्ट का, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इस तरह से इसे यूज करके बना सकते हो, इसे चिपका के, जो आपने छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा। और तीनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये तीनों यूज कर लिया हमने और तीनों की लेंथ इक्वल है। तो आप ये बोल सकते हो, बाय यूजिंग थ्री मैस्टिक्स वी मे मेक अ ट्राइंगल एज शोन बिलो, यानी बिलो नहीं, अब तो साइड में ड्रॉ कर दिया। द अबोव ट्राइंगल इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, लेंथ ऑफ ऑल साइड इज इक्वल, ब्रैकेट में लिख देता हूं कि भी लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल, लेंथ क्या होती है, सबकी इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो भाई फर्स्ट यानी ए पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं बी पार्ट, इस तरह से आप पेपर पे पेस्ट करके बेटा इसे बना भी सकते हो, ठीक है बच्चे, ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बी में बोला जा रहा है, नेक्स्ट आपको फोर मैचस्टिक यूज करना है, कितनी, फोर मैचस्टिक्स, ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन है, फोर मैचस्टिक, तो आपको तो ये पता है ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, थ्री साइड्स होती है, लेकिन यहां आपको फोर दे दिया है, तो फोर दे दिया तो थ्री तो आप यूज कर लोगे, वन आपके पास क्या होगा, बच जाएगा भाई, ठीक है, फोर में से थ्री माइनस करोगे तो वन बच जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, देखो इधर मैंने अंडरलाइन भी किया था, रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैस्टिक्स इन ईच केस, यानी कि जितने भी केस सॉल्व करोगे, ए सॉल्व कर दिया, बी में क्या बोला है फोर मैस्टिक, बचना नहीं चाहिए भाई, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, बच जा रहा है, तो जब बच जा रहा है तो इट मीन्स ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो रीजन लिखोगे, बाय यूजिंग फोर मैस्टिक्स वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल, हम ट्राइंगल नहीं बना सकते, वी कैन नॉट मेक ट्राइंगल सिंस वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्राइंगल ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि टू साइड का जो लेंथ होगा वो थर्ड से ग्रेटर होगा, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई थ्री मैस्टिक तीनों इक्वल मैस्टिक से तो आप बना सकते हो, लेकिन फोर इक्वल मैस्टिक को यूज करके आप ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो आप 4 माइनस 3 करोगे एक आपके पास बच जाएगा, तो हम नहीं बना पाएंगे, एक एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है जिससे ये नहीं बन पाएगा। तो बी पार्ट में आपको ये रीजन लिख देना है। अब बात करते हैं सी पार्ट की, तो सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है आपने यूज करना है 5 मैस्टिक, ठीक है भाई, 5 मैस्टिक, चलो देखते हैं कैसे बनता है, बहुत ईजी है, ये तो बना सकते हो आप लोग, 2 2, एक में टू यूज कर लोगे, एक में 1 यूज कर लोगे, हो जाएगा, कैसे, देखो इस तरह से, ठीक है। तो सी पार्ट में आपने कैसे करना है, इस तरह से करना है, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया, तो फिफ्थ मैस्टिक को यूज करोगे और यूज करके अपना ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे, इजी है तो। और कौन सा ट्राइंगल होगा भाई, टू साइड इक्वल है, देखो 3 और 4 को कंबाइन करके जो साइड बन रही है और 5 और 1 को जो इक्वल बन रही है, तो यानी कि 2 साइड यहां पे इक्वल बन रही है, दोनों में 2-2 मैस्टिक यूज किया है, एक में 1 यूज किया है, तो आप ये बोल सकते हो बाय यूजिंग 5 मैस्टिक वी मे मेक ट्राइंगल एज शोन बिलो, बिलो नहीं हमने लेफ्ट में, आप नीचे बना लेना बिलो, ठीक है। तो ये बना लिया, अब जो टाइप की बात करें तो लिखोगे द अबव ट्राइंगल इज आइसोलेटेड ट्राइंगल, यानी कि इन दोनों के बीच के गैप में बनाना है आपने, ठीक है, यहां गैप में यहां बनाओगे ट्राइंगल, और क्या होगा, ये जो ट्राइंगल कौन सा आपका आइसोलेटेड ट्राइंगल है, तो आइसोलेटेड ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, इसमें बेटा ये खास बात होती है, मैं दोबारा रीजन लिख देता हूं, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, क्या फीचर होती है इसके अंदर, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी इसके अंदर, ठीक है। तो भाई ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोलेटेड ट्राइंगल आपका हो गया आंसर सी का। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है आपका डी, डी में आपसे बोला जा रहा है 6 मैचस्टिक को यूज करो और बनाओ, भाई कितनी यूज कर रही है, माचिस की 3 है, 6 यूज करनी है, बहुत ही इजी है, 2 2 2 तीनों इक्वल यूज कर लोगे, फर्स्ट साइड में भी 2, सेकंड साइड में भी 2 और थर्ड साइड में 2, बहुत इजी है ना, कर सकते हो इसे। तो ये देखो ये मैंने किया हुआ है, इधर देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये वाला फिफ्थ और ये वाला 6, यानी कि अगर ध्यान से देखो
तो फर्स्ट साइड जो आपके पास यहां भी टू मैच स्टिक है, सेकंड साइड है आपके पास यहां भी टू मैच स्टिक है, थर्ड साइड है यहां पे भी टू मैच स्टिक है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये पॉसिबल है, भी बन सकता है। तो आप आंसर लिखोगे बाय यूजिंग द सिक मैच स्टिक वी मेक ट्राइंगल, जैसे आप ये ट्राइंगल बना सकते हो। और इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इक्विलेटर ट्राइंगल। आप कहोगे सर अभी इक्विलेटर ट्राइंगल क्यों होगा, इसका रीजन बताओ। तो सिंपल सा रीजन है, ऑल थ्री साइड क्या है, इक्वल है। जब इसका रीजन क्या है, व्हेन ऑल, लिख सकते हो व्हेन ऑल या फिर ऐसे लिखोगे सिंपल, व्हेन लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, जब इनकी पूरी सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होते हैं, तीनों साइड यानी कि फर्स्ट साइड भी, सेकंड और थर्ड, तीनों साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्ट हमने किया था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के साथ में, ठीक है। अगर एक बार दोबारा समझ लेते हैं फिर मैं वाइंड अप करता हूं, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो कि भी हम ट्राइंगल को, हम ट्राइंगल को जो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं या टाइप्स डिसाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे डिसाइड कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई साइड की अगर बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, आइसोलेटेड ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, स्केलन ट्राइंगल व्हेन थ्री ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी कि तीनों साइड की जो लेंथ होगी इक्वल नहीं होगी। अच्छा अब एंगल की बेसिस पे बात करें तो भाई एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि भी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड में से जरूर शेयर करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, ठीक है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 5.7 एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर, उस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और अपने फ्रेंड में शेयर करो, वीडियो लाइक करके जाना, ठीक है। चलो अपने कम से कम 5 फ्रेंड में शेयर करो, आज आपके लिए छोटा सा काम है, कितने फ्रेंड में, एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स में से शेयर करना, ठीक है। चलो बाय।